नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं ऑक्टावियो एस के बारे में। सो रिसेंटली अपना जो MI2 डिवाइस है उसके लिए ऑक्टावियो एस अवेलेबल हो गया है। इस वीडियो के अंदर उसके बारे में बात करने वाले हैं, क्या क्या फीचर्स हमें देने को मिलता है, क्या क्या ऑप्शन है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले चलते हैं इसके अंदर सेटिंग्स मेनू। ऑक्टावियो एस का कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ऑक्टावियो एस का ऑफिशियल 2.8 वर्जन अवेलेबल हुआ है अपने MI2 डिवाइस के अंदर, तो समझ सकते हो भाई सब। एंड अवार्ड फोन के अंदर चलते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें नोकिया का जो है लोगो दिखा रहा है, मतलब नोकिया का फोन दिखा रहा है। एंड ऑक्टावियो एस का जो वर्जन है 2.8 ऑफिशियल है MI2 डिवाइस के लिए। 5th August 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट हमें देने को मिल गया है। जो कर्नल यूज किया गया है, निको कर्नल लाइट यूज किया गया है, नया वाला कर्नल है। सो परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिलेगा वो भी आपको मालूम चल जाएगा। एंड एंड्रॉइड वर्जन जो है एंड्रॉइड 11 हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। ना दोस्तों बात करते हैं इस बिल्ड के बारे में। तो ये जो बिल्ड है दोस्तों GHz बिल्ड के साथ ही अवेलेबल हुआ है। जैसे कि आपको मालूम है MI2 डिवाइस के अंदर आपको AB स्लॉट देखने को मिलता है, इसलिए अगर GHz को अलग से पुश किया जाता है तो दिक्कत हो सकती थी। तो डेवलपर ने क्या किया, GHz वाला बिल्ड को ही पुश किया है। अभी तक जो वैलेंडा बिल्ड है अवेलेबल नहीं है, जो कि काफी बढ़िया बात है मेरे हिसाब से। जितने भी AB ऑनली डिवाइस है उसके अंदर GHz वाला बिल्ड को ही रिलीज करना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ टाइम GHz फ्लैश नहीं होता, कौन सा GHz को फ्लैश करना होगा उसके लिए दिक्कत होती है। तो ये चीज है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। आपको MI2 का जो प्लेलिस्ट है उसमें देखने को मिल जाएगा। एंड वे जो प्ले स्टोर है गूगल का सर्विसेस है, वो आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा इस बिल्ड के अंदर, आपको अलग से इंस्टॉल नहीं करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्टावियो एस 2.8 के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है। यहाँ पर जो आपका क्लॉक का फ्रंट है बाय डिफॉल्ट वाला, उसके अंदर चेंजेस किया गया है। उसके बाद आपको जो कस्टम फोन का सपोर्ट है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर, उसे भी ऐड करके दिया गया, जिसे आपको पाने के लिए जाना होगा सेटिंग्स के अंदर, देन डिस्प्ले के अंदर। एंड डिस्प्ले के अंदर से आपको देखने को मिलेगा फॉन्ट। यहाँ पर आप फॉन्ट में जाके आप जो भी फॉन्ट को चूज करोगे दोस्तों थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के अंदर, ये सभी जो फॉन्ट से अप्लाई हो जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो DPI उसे भी आप बढ़ सकते हो। हम यहाँ पर 69 वाला DPI को डाल देते हैं, एंड यहाँ पर हमने डाल दिया है। सो नेक्स्ट बात कर ले दोस्तों, यहाँ पर जो लाइव डिस्प्ले का फीचर है इसे भी डाल दिया गया है। लाइव डिस्प्ले के अंदर आप दोस्तों कलर कैलिब्रेशन कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू। सैचुरेशन का जो ऑप्शन है यसपर यहाँ पर नहीं डाला गया है। बाय द वे आपको कुछ टॉगल्स भी देखने को मिलता है जो कि MI2 डिवाइस के लिए नहीं है। जैसे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है लाइव डिस्प्ले का टॉगल्स, उसके बाद आपको रीडिंग मोड का टॉगल देखने को मिलता है, एंटी फ्लिकरिंग मोड का भी टॉगल देखने को मिल जाती है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। यहाँ पर हमें नाइट लाइट देखने को मिल जाती है, बट यहाँ पर लाइव डिस्प्ले का टॉगल कहाँ पर देखने को मिल रहा है आई डोंट नो। बट ये सभी जो फीचर्स है ऑप्शन जो है यहाँ पर ऐड करके दिया गया है ऑक्टावियो एस 2.8 के अंदर। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर एक चीज में नोटिस किया है, आपको कुछ इस तरह से ऐप लॉकर देखने को मिलता है, ऊपर आपको पूरा ब्लू करके देखने को मिल जाती है, काफी बढ़िया है। एंड इस तरह की जो UI के अंदर छोटी छोटी चीजें इसे यहाँ पर डाला गया है। हम बात करें तो उसके ऊपर जो फेस अनलॉक है दोस्तों वो डाल दिया गया है। फेस अनलॉक ऐप लॉकर एज वेल फिंगरप्रिंट को डाला गया है। सबसे पहले बात कर लेते फिंगरप्रिंट की, तो टैप किया एंड ओपन हो गया, वंस अगेन टैप किया ओपन हो गया। देख सकते हो फिंगरप्रिंट काफी ज्यादा फास्ट है एंड बहुत ही जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स कर पा रहा है, नो डाउट एट ऑल। नाउ दोस्तों फेस अनलॉक की बारी, फेस अनलॉक को ओपन करने की कोशिश करते हैं। देखो फेस अनलॉक भी काफी फास्ट है, और एक बार तो फेस अनलॉक भी यहाँ पर काम कर रहा है। एंड आप जो फेस है एज ए ऑथेंटिकेशन मेथड भी यूज कर सकते हो। देखो फेस अनलॉक भी काम कर रहा है, काफी फास्ट है। एंड एक चीज तो माननी पड़ेगी, इस अपडेट के बाद जो फेस अनलॉक है काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। यहाँ पर जो कास्ट स्किन है उसका भी सपोर्ट डाल दिया गया है, आप कास्ट स्किन को भी यूज कर सकते हो। एंड जो आपका ऑक्टावियो एस का लोगो है उसे भी आप सर्च बार के अंदर लगा पाओगे, जिसे एक्सेस करने के लिए आपको जाना होगा ऑक्टावियो लैब के अंदर। एंड ये आपका कस्टमाइजेशन पैनल है, यहाँ से आप जाना होगा सरस बार के अंदर। सरस बार के अंदर से आपको यहाँ पर ऑक्टावियो लोगों का आइकॉन है, इसमें आप टैप करके ऑक्टावियो लोगों को आप चाहो तो हटा भी सकते हो और डाल भी सकते हो। सो ये जो ऑक्टावियो लोगों का ऑप्शन है इसे भी इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बाकी आपको कुछ F4D एनिमेशन को ऐड करके दिया गया है, कस्टम फिंगरप्रिंट आइकॉन ऑप्शन को भी ऐड करके दिया गया है। एंड आपको बैटरी सेवर क्विक सेटिंग स्टाइल को भी ऐड करके दिया गया है, जो कि इस बार अपने MI2 डिवाइस के अंदर भी है। यहाँ पर टैप करके बैटरी सेवर मोड ऑन कर सकते हो एंड हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। एंड बहुत ही जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करता है, डार्क मोड भी बहुत ही जल्दी जल्दी ऑन ऑफ होता है, जो ये काफी बढ़िया बात है। एंड उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है वॉल्यूम पैनल के अंदर, शेप शिफ्ट करके जो वॉल्यूम पैनल है उसके अंदर, जो कि आपको यहाँ पर वॉल्यूम पैनल के अंदर देखने को मिलेगा। आपको बहुत सारी अलग अलग जो वॉल्यूम पैनल है वो भी देखने को मिलता है। अभी देखो मैंने निजी को लगा के रखा है, अगर आप चाहो तो यहाँ पर शेप शिफ्ट को भी लगा सकते हो। ये जो वॉल्यूम पैनल देख सकते हो इसके अंदर हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बाकी इसमें से आप कोई भी चाहो, जो भी चाहो वॉल्यूम पैनल को यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे आपका जो भी मन चाहे। तो
नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन वेस का क्या कहते हैं ऑक्सीजन वेस का वॉल्यूम पैनल है उसे रिनेम करके नीचे को पैनल कर दिया गया है, आई डोंट नो व्हाई। एंड जो स्क्रॉलिंग इशू था दोस्तों रनिंग पेज के अंदर उसे फिक्स करके दिया गया है। जो बगी वर्चुअल कीबोर्ड यूआई था उसे फिक्स करके दिया गया है। बेसिकली ये जो बिल्ड है इस बिल्ड के अंदर बहुत सारी बग्स को फिक्स करके दिया गया है, क्योंकि जो बग्स है उसके लिए जो यूजर का एक्सपीरियंस वो बुरा हो जा रहा था, इसलिए बहुत सारी बग्स को इस बिल्ड के अंदर फिक्स करके दिया गया है। सबसे पहले बात कर लेते जो अबाउट पेज के अंदर स्क्रॉलिंग इशू था दोस्तों उसे फिक्स करके दिया गया है। उसके बाद जो अबाउट फोन कैमरा इन्फो के अंदर टेक्स्ट कट हो जा रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। उसके बाद बैटरी पेज के अंदर जो टेक्स्ट कट हो जा रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। बैटरी से याद आया आपको बैटरी बैकअप के बारे में दिखा देते हैं। तो देखिए भाई लगभग यहाँ पर 88% के आसपास बैटरी है एंड यहाँ पर 14 आवर्स अगर मैंने चार्ज किया था 43 मिनट का यूजेज से, तो देख सकते हो सही बैटरी है। यहाँ पर हमें थर्मल पवेल का जो ऑप्शन है वो भी देने को मिल जाती है। ऐसे आप दोस्तों जो अपना क्या कहते हैं बेंचमार्क कैमरा ब्राउजिंग डायलिंग गेमिंग स्ट्रीमिंग ये सभी ऑप्शंस को आप इनेबल कर सकते हो, जो ये काफी बढ़िया बात है। सो थर्मल प्रोफाइल का जो ऑप्शन है उसे भी ऐड करके दिया गया है। एंड जो यूजेस है बैटरी यूजेस वो कैसा है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मेरे हिसाब से तो बैटरी बैकअप सही है, नो इशू एट ऑल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपका डायलर एप्लीकेशन से दोस्तों क्रैश हो जा रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। बाय द वे यहाँ पर जो डायलर एप्लीकेशन है ऑक्टेव ओएस का काफी बढ़िया है, काफी हद तक आपको ऑक्सीजन ओएस की फील देखने को मिल जाएगी स्पेशली यहाँ पर। एंड यहाँ पर कोई भी रैंडम नंबर में ये देखो यूआई जो कुछ इस तरह से, अभी फिलहाल मेरे फोन के ऊपर सिम नहीं है इसलिए आपको मैं नहीं दिखा सकता, बट जो डायलर यूआई है काफी सुंदर है, काफी बढ़िया आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो रीट्रैकर क्रैश हो जा रहा था नोटिफिकेशन पॉपअप के अंदर उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देने को मिल जाती है। उसके बाद क्विक सेटिंग्स म्यूजिक एरिया के अंदर यहाँ पर जो क्विक सेटिंग्स म्यूजिक एरिया है सो इसके अंदर जो ब्लैक का इशू हो रहा था एंड जो स्पेस का इशू हो रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड जो डीप विजुअल मोड है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, राउंडेड कॉर्नर भी हमें यहाँ पर देखने को मिल गया है। एंड लाइट थीम के अंदर जो स्विचेस इशू हो रहा था उसे फिक्स करके दिया गया है। एंड डार्क मोड का सपोर्ट जो है अभी कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन के अंदर भी डाल दिया गया है। एंड यहाँ पर जो लो डीपीआई का इशू हो रहा था जहाँ पर आपको हेलो मतलब जो यहाँ पर हेलो करके लिखा रहा था उसे भी फिक्स कर दिया गया है। मतलब इस बिल्ड के अंदर आपको ढेर सारी फिक्सेस देखने को मिलता है भाई सब, क्या बताओ। एंड बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर भी चेंज किया गया है दोस्तों, बाय डिफॉल्ट वॉलपेपर है, मैंने भी चेंज नहीं किया है। एंड जो आपका लैब यूआई है इसे भी कम्प्लीटली रीडिजाइन किया गया है। लैब यूआई के अंदर कम्प्लीटली मिनिमल एंड क्लीन लुक आपको देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफी बढ़िया है एंड बहुत ही बढ़िया बिल्ड है। अपने MI2 डिवाइस के लिए ये जो बिल्ड है पहला बिल्ड है एंड जो काफी बढ़िया बात है। जो जी ऐप से हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिलता है MI2 डिवाइस के लिए, एज वेल जो TWR रिकवरी है वो भी हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिल गया है। बाकी कस्टमाइजेशन की बात करो ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आपको गेमिंग मोड देखने को मिलता है, गेमिंग मोड के अंदर डायनामिक मोड देखने को मिल जाती है, माइस के अंदर स्मार्ट पिक्सल सेंसर ब्लॉक पार्ट पैकेज का ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट टाइप है, सभी जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, वेदर एप्लीकेशन है, विजुअल सबको देखने को मिल जाती है, लॉक स्क्रीन आपको ऑप्शन देने को मिल जाती है, देन पावर मेनू के अंदर एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन है, गेस्टर्स का ऑप्शन देने को मिल जाती है, नेविगेशन मेनू ऑलमोस्ट सभी जो ऑप्शन आपको यहाँ पर देने को मिल जाती है, कोई भी ऑप्शन के अंदर कोई भी ऑप्शन का कमी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। सो काफी बढ़िया है, इस रॉम को डेफिनेटली ट्राई करो। एंड यहाँ पर जो आपका सेफ्टी नेट है बाय डिफॉल्ट पास हो जाएगा, विदाउट रूट पास हो जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। नाउ कुछ स्क्रीनशॉट मैंने लिया है जो कि मैं आपको शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों यहाँ पर 3DMark के अंदर 490 हमें यहाँ पर देखने को मिला है 3DMark के अंदर, जो कि काफी बढ़िया है। 2.90 का APS भी देने को मिल गया है अपने MI2 डिवाइस के अंदर। सिंगल कोर की अगर बात करूं 325 देने को मिला है, मल्टी कोर के अंदर 115 देने को मिला है, जो कि काफी कम है। एवरेज से तो कम देने को मिला है सिंगल कोर के अंदर, एज वेल मल्टी कोर के अंदर भी हमें एवरेज से कम स्कोर देने को मिला है, तो परफॉर्मेंस इतना बढ़िया नहीं है। एंड CPU-Thorin टेस्ट की अगर बात करूं लगभग 6 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया था मैक्स गया है 108, एवरेज है 83, मिनिमम है 74, तो परफॉर्मेंस इस रॉम का कर्नल की वजह से कम है, इसलिए आपको बैटरी बैकअप काफी बढ़िया देने को मिलता है। एंड नाउ दोस्तों सेफ्टी नेट को भी टेस्ट कर लेते हैं, तो सिंपली यहाँ पर जो अपना नेट है ऑन करते हैं एंड यहाँ पर सिंपली चलते हैं मैजिक के अंदर, मैजिक के अंदर जाके यहाँ पर जो मैजिक हाइट है उसे हम इनेबल कर लेते हैं, देखते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा काम करेगा नहीं, काम तो करना चाहिए, डेवलपर ने बताया काम करना चाहिए। बाकी यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है उसको विदाउट रूट भी पास हो जाएगा एंड विथ रूट भी पास हो जाता है, देख सकते हो पास हो गया, मतलब जो गूगल पे फोन पे इस पे यूनो इस तरह की एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर बढ़िया काम करेगी, नो इशू एट ऑल। ओवरऑल दोस्तों अगर आपको एक बढ़िया रॉम चाहिए तो इस रॉम को ट्राई करके देखो। कैमरा टू पे के अंदर Level 3 का सपोर्ट है, जो गूगल कैमरा है वो भी काम कर रहा है, गूगल कैमरा गो भी जो है ये भी काम कर रहा है, नो इशू एट ऑल, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है।
एंड बाकी ऑलमोस्ट सभी चीज़ कम कर रहा है। बैटरी बैकअप इसका बढ़िया है, परफॉर्मेंस इसका बढ़िया नहीं, इसके लिए आपको जो कर्नल है उसे चेंज करना होगा। एंड कस्टमेशन भी काफ़ी बढ़िया डाल दिया गया है, बहुत सारी कस्टमेशन है, जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के लिए भी काफ़ी सारी ऑप्शन है, क्विक सेटिंग्स के अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन देने को मिलता है। बाकी यहाँ पर एंड्रॉइड 12 ऑक्सीनोस 11 का जो टिंट क्विक स्टाइल है, क्विक सेटिंग स्टाइल है, उसे भी आप अप्लाई कर पाओगे। एंड सर्चबार के अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देने को मिल जाती है। सो अगर आप इस ऑक्टावी ओएस को डाउनलोड करना चाहते हो अपने फोन के लिए, तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस रॉम का जो डाउनलोड लिंक है प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इस रॉम को ट्राई करके देख सकते हो। अपने मेट्रो डिवाइस के लिए TWD को इसे फ्लैश करना, क्लीन फ्लैश करना, आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। आपको जी एप्स को भी फ्लैश करना नहीं है, सिर्फ रॉम को फ्लैश करना है, रिबूट करना है, उसके बाद फिर से रिकवरी में जाके मैजिस को फ्लैश कर देना है रूट के लिए। दैट्स वेरी मच इट। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।